वालेकुम। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं क्लिफ्टन बचत बाजार, जिसके बारे में मैंने बहुत हाइप सुनी है कि भाई वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। अब कितने परसेंट ये बात सच है, कितनी हाइप क्रिएट की हुई है और कितनी रियलिटी है, इस चीज को जो है हम फाइंड आउट करने के लिए आज पूरा बाजार विजिट करेंगे। प्राइसेस के साथ कोशिश करूंगी आपको हर चीज दिखाने की, ताकि अगर आप जाना चाहें तो आप लोग के लिए आसानी हो जाए। सो आपने मेरे साथ रहना और लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम पहुंच चुके हैं क्लिफ्टन के बचत बाजार में। ये क्लिफ्टन में ब्लॉक 2 के एरिया में बना हुआ है और बहुत बड़ा संडे बचत बाजार है, जो कि वीक में जस्ट वन टाइम ही लगता है। लेकिन यार, अगर आप इसको एक दिन में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। और इंटर होते ही पहले ही स्टॉल पे हमें बहुत ही जबरदस्त सी चीजें दिख गई। 5,000 और इसकी क्या प्राइस है? 1,500। और टेबल का क्या कह रहे हो? 1 पीस। सिंगल कितना? 1,800। कोई गुंजाइश नहीं करोगे? 3 पीस है, 3 पीस है 5,000 का, 4,000 आखिरी है। अगर एक पीस सिंगल, 3 पीस 5,000 का और एक पीस, 1 पीस 1,500 का पड़ेगा। ये टेबल इन दिनों बहुत ही ज्यादा वायरल हैं। अगर आप दराज से भी इनको ऑर्डर करते हैं तो लगभग 1,500 ईच आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सेम उसी स्टॉल पर हमें ये बहुत ही खूबसूरत बर्तनों की टोकरी दिखी, जिसकी प्राइस थी 2,000। जो प्राइसेस मैं बता रही हूँ वो फिक्स नहीं है। मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं शॉपकीपर्स, आप बार्गेनिंग करें तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और ये कितना खूबसूरत जो है टिश्यू बॉक्स था, इसकी प्राइस मैंने पूछी नहीं। और सेम उसी स्टॉल पे ये ब्रश होल्डर पड़ा था, और आपकी जो जितने भी गैजेट जो के दराज पे बहुत वायरल है वो तकरीबन यहाँ मौजूद थे। ओके जी, फिर हमें ये दिखा स्टॉल जिसपे एंटीक पीसेस की यह ह्यूज वैरायटी थी। मतलब कि अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं और आपको डेकोरेशन के लिए कुछ एंटीक आइटम्स चाहिए तो आप जरूर विजिट कीजिए। और मैं कहना चाहूंगी कि कराची के तो तकरीबन तमाम लोगों को इस बचत बाजार में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सुई से लेके ना ऊंटनी के दूध तक हर चीज दस्तयाब है। अच्छा जी, ये बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे पीसेस थे। इसका आप फाइनल क्या लगाएंगे? ये 4,000 का, इससे आगे वाला 4,500 का, ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा है। हाँ, निकलेगा ये। फिर मुझे ये रैंडम सा स्टॉल दिखा जहाँ पर यूज चीज़ें मौजूद थी, लेकिन यार इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कंडीशन अगर कह लें तो न्यू तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मतलब के कंडीशन वाइज 8/10 थे। यहाँ पर ये मुझे इस तरह का कॉफ़ी मग भी मिला जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत से छोटे ग्लासेस यहाँ पर मौजूद थे। और ये बॉटल्स देखें, मतलब कि स्कूल बॉटल्स और लंच बॉक्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इस तरह का आपको स्टोरेज बॉक्स भी यहाँ पर अवेलेबल था। और ये चीज़ मतलब कि ये इतने खूबसूरत लग रहे थे कि अगर आप इसको यूज़ ना भी करें तो डेकोरेशन के लिए भी आप इसको अपनी किचन में रख दें। और उसके बाद फिर मुझे मेरे मतलब का स्टॉल दिख गया। ये कैसे दे रहे हो लेस? 250 पर यार्ड। और ये ब्लैक वाली? ये 200। अगर आप खूबसूरत और स्टाइलिश लेसेस लेना चाहते हैं वो भी बजट में रह के, मतलब कि यहाँ पे जो लेसेस की और डिज़ाइनिंग के लिए जितने आइटम्स यहाँ पे मौजूद थे ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने तकरीबन तमाम लेसेस जो कि मुझे अच्छी लगी हैं उनकी प्राइसेस पूछ के यहाँ पर आपके लिए लिख दिए, ताकि अगर आप जाएँ तो आपको आसानी रहे। लेकिन अगर आप अपनी कोई मैचिंग की लेसेस लेना चाहते हैं तो फैब्रिक को ज़रूर साथ लेके जाएँ। मुझे यहाँ पर इस तरह के पैचेस भी मिले और ये आप यकीन माने 100 रुपीज़ पर यार्ड दे रहे हैं, जो कि ब्रांड्स के सूटों पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सो अगर आप कुछ भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर जाएं। सबका तकरीबन यही रेट है 100 रुपए गज, और जो वहाँ पड़ी है बंडल में 50 रुपए गज। अगर लोकल मार्केट से यहाँ की प्राइसेस को कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस में यहाँ पर लेसेस और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कि आपको 100 रुपीज़ पर यार्ड, 60 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ पर यार्ड डिफरेंट किस्म की लेसेस मिल रही थी। यहाँ पर मैंने ये 30 रुपीज़ पर यार्ड जो है लेस ये अपने लिए कट करवाई। ये कैसे दिया ये वाली? 80, 14, 14.5। फिर यहाँ पर जो मुझे शूज़ और जोगर्स की वैरायटी दिखी वो मुझे पहले किसी भी बचत बाजार या संडे बाजार में नहीं दिखी। ये जो शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये फाइनली 1,800 कह रहे थे, लेकिन अगर मैं इसके साथ और ज़्यादा बार्गेनिंग करती तो मे बी वो और भी कम कर देते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर ये देखें क्रॉक्स की इतनी ह्यूज वैरायटी मौजूद थी ना।
फाइनल। ये इतने खूबसूरत क्रॉक्स थे जो कि फाइनली मुझे 1500 का दे रहे थे, लेकिन अगर मैं और ज़्यादा बार्गेनिंग करती तो मे बी और भी प्राइसेस कम हो जाती। अच्छा, यहाँ के शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे, जबकि बड़ा मार्केट में जाते हैं ना तो अगर हमें कुछ मतलब थोड़ा बहुत महंगा लगता है तो वो हमें जो है ना कहते हैं बस आप छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर मुझे बहुत ही एक मज़े का स्टॉल दिखा जहाँ पर ये इस तरह के जो है ना क्लिप्स की इतनी ह्यूज वैरायटी मौजूद थी और जस्ट आपको ईच पैकेट जो है वो 200 का मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग करके बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्क्रंचेस वगैरह, पिन्स, क्लिप, मतलब बच्चियों के लिए इतनी वैरायटी थी। ये देखें कोरियन क्लिप्स यार, 200 का आपको पैकेट। अगर आप दराज से जाके इसको ऑर्डर करते हैं तो 500 to 600 से कम आपको नहीं मिलेगा। कलर्स और वैरायटी, अच्छा तमाम चीज़ें जो मैंने परचेज की हैं वो मुझे कितने की मिली हैं, उनमें मैंने कितना ज़्यादा डिस्काउंट करवाया है वो भी मैं बनाऊँगी। लेकिन यार वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आप लोग के लिए इंशाल्लाह आएगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। कराची की होलसेल की मार्केट है बोल्टन मार्केट, जहाँ से हम बच्चियों की इस तरह की पेंस वगैरह बहुत ज़्यादा आपको वाइड रेंज मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी आप यकीन माने ना ये प्राइसेस नहीं मिलती। कभी मेरा वहाँ जाना हुआ तो आप लोग के लिए वहाँ की भी डिटेल वीडियो बना दूंगी, तो ये आप समझें कि आपको बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ये देखें इतने क्यूट क्यूट से मिनी बॉक्सेस थे, सबकी प्राइस तकरीबन 200 ईच थी और इनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज की। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पर मुझे ये वायरल बॉटल मिल गई जो कि आई थिंक दराज पर तो 1500 समथिंग की है, ये मुझे 1000 कह रहे थे और मैंने 500 कह रही थी, सो मैंने ये परचेज नहीं की। यार मादर कड़े दे यार, इसकी क्या प्राइस है? इसकी ब्लैक 1500 रुपए की, इसमें 500 वाली भी आती है हमारे पास। फाइनल ये 1500 का है? नहीं, फाइनल 1500 की नहीं है, लगा देंगे 1000 की फाइनल, बिल्कुल फाइनल। और ये 500 रुपए का। अच्छा जी, फिर ये वायरल कॉस्मेटिक बैग जो कि लास्ट ईयर मैंने भी अपनी दराज परचेज में मंगवाया था और डिलीवरी के साथ 700 का था, ये यहाँ पर जस्ट 400 का दे रहे थे और ये जो रिंग्स का पैकेट है ये 100 का दे रहे थे। उसके बाद मुझे ये बहुत ही खूबसूरत हैट की कलेक्शन नज़र आई, मुझे लेनी नहीं थी लेकिन अगर आप सी साइड जाते हैं जैसे कि हम कराची में रहते हैं या आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो यार इधर बहुत ही खूबसूरत वैरायटी मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ पर विज़िट कीजिए। और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये शॉप मिली यार, ये इतने खूबसूरत ग्लासेस की वैरायटी थी, 600 कह रहे थे, बट मुझे परचेज़ नहीं करनी थी, बस मैं वैसे उनसे रैंडमली जो है पूछ रही थी, अगर मैं बार्गेनिंग करती तो वो मुझे मे बी कम भी कर देते, 400-500 की रेंज में मुझे दे देते। वाला कैसे दे रहे हो ये फ्लावर? 800। फाइनल क्या दोगे सही अगर रेट लगाओ? 700। और ये जो ग्लास का सेट है? 1200। इसके क्या प्राइस है? यार अगर आपको डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स चाहिए इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी में, प्राइसेस भी उनकी कम हो, तो आप इसी तरह के बचत बाज़ार वगैरह को ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन है हर चीज़ की, हाउस होल्ड जितने भी आइटम्स हैं डेकोरेशन के रिलेटेड, मतलब कि ये रैंडम सा स्टॉल है और यहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी ना कि अगर एक एक चीज़ की मैंने वीडियो बनानी थी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। सो मुझे जो चीज़ें समझ आ रही थी तो मैं उनकी प्राइसेस पूछ के आप लोगों के लिए यहाँ पर टैग करती जा रही हूँ ताकि अगर आप जाते हैं आपको कुछ भी चाहिए तो आपको अंदाजा हो कि कहाँ से कौन सी चीज़ कितनी प्राइस की मिल जाएगी। और यार फिर मैं आ गई थी शूज़ की तरफ, ये जो शूज़ का स्टॉल था ना यार इनके पास बहुत वैरायटी थी, इतनी कि मैं कहती हूँ कि क्या लेडीज़ क्या जेंट्स क्या बच्चों की सबकी बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद थी। और इस स्टॉल से मैंने एक शूज़ उठाए थे जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे नॉर्मल अपनी डेली वेयर के लिए, सो उन्होंने फाइनली मुझे कहा था कि 1800 का आपको पेयर दे देंगे। ये क्या दे रहे हो राला? 700। फाइनल। और पर्सनली मुझे इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे जहाँ से भी ये मिलती है तो मैं ये ख़रीद लेती हूँ और मेरे पास इनकी बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह के कैचर्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, कोरियन कैचर्स, यहाँ पर भी वो जो पिंस की कलेक्शन थी यहाँ पर भी थी और ये स्टॉल वाले जो थे 150 ईच पैकेट का दे रहे थे। अच्छा जी, फिर मैं आई स्टेशनरी के स्टॉल पर और मुझे ये क्यूट सा जो है ना स्टेशनरी पाउच मिला जो कि मुझे 400 का कह रहे थे, तो मैं इनसे कह रही थी कि इसमें क्या आएगा पेंसिल्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि रेज़र और शॉर्पनर वगैरह के लिए ये आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, रोज़ी कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं इसका अंदाज़ा मुझे इस स्टॉल पे आके हुआ कि बकायदा ये जो है कबाब की डिफरेंट शेप्स बना के दे
रहे थे क्योंकि इनके पास ये गैजेट मौजूद था। वैसे ये यूज़फुल चीज़ है क्योंकि हमें कबाब की जो शेप होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इनके पास ये चॉपर मौजूद थे, 500 का ये चॉपर कह रहे थे। और समोसा और मोमोज और ये जो डिफरेंट शेप्स की हमें चीज़ें बनाने के लिए जो गैजेट्स हैं वो उनकी प्राइस बता रहे थे 300 की। और ये जो था इसका मुझे कह रहे थे कि आप फुल अगर लेती हैं तो ये 1000 में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब चॉपर भी है और ये तमाम चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको चॉप करके दिखाता हूँ, उन्होंने इसमें प्याज डाला और इसको चॉप किया, मतलब कि यूज़फुल चीज़ है। डेली बेसिस में किचन में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये गैजेट्स जो होते हैं वैसे मेनली यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ऑलरेडी मेरे पास था सो मैंने परचेज़ नहीं किया। और फिर मैं आई शूज़ के स्टॉल पे, यार शूज़ की वो वैरायटी यहाँ पे मुझे दिख रही थी ना कि आप यकीन माने, मैं कहती हूँ कि ब्रांड्स पे भी नहीं थी, मतलब बाहर का जूता, इंपोर्टेड जूता, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल न्यू कंडीशन में ये शूज़ मौजूद थे। ये पिंक जूता कितने का दे रहे हो? ये पिंक वाला, हाँ 1000। और ये साथ जो ग्रीन है ये, हाँ ये 1500। और अगर आपका जाना हो बचत बाज़ार तो आप इस शॉपकीपर से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इनके पास बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी भी थी, और यार ये जो हैं रेट्स भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल बता रहे थे, और बार्गेनिंग करने से और भी ज़्यादा ये रेट वगैरह कम कर देते हैं। इस स्टॉल से मैंने क्या ख़रीदा है वो भी लास्ट में आपको दिखाऊँगी, क्योंकि शॉपिंग लास्ट में ही दिखाएँगे। अच्छा जी, उसके बाद मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पर ये खूबसूरत से पॉम्प्स मुझे दिखे। लाला इसकी क्या फाइनल क्या दोगे? 2500। अच्छा जी, फिर मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पर ज़ारा और बाहर के इंपोर्टेड सब जूतों की वैरायटी मौजूद थी, और बहुत अच्छी कंडीशन, 10 out of 10 कंडीशन में थे। सबकी मैंने प्राइसेस भी पूछी और साथ साथ टैग कर दिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अगर आपको डेली वेयर के लिए भी जूते चाहिए, सॉफ्ट जूते, मतलब हर टाइप की वैरायटी वहाँ पर मौजूद। लाला इसकी क्या प्राइस है? ये 35। फाइनल क्या लगाओगे? शूज़ के अलावा यहाँ पर जोगर्स की भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी मौजूद थी, जो कि ब्रेड्स पे जाके, मतलब कि इन दिनों सेल्स लगी हुई है ना, फ्लैट 50% ऑफ के बाद भी जो जोगर्स 5000-6000 के मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको बारगेनिंग के बाद 2000-3000 की रेंज में मिल जाएंगे। ये पिंक शूज़ जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जिनकी प्राइस ये कह रहे थे 4000, और बार्गेनिंग के बाद मुझे कितने के मिले वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें ये पॉम्प्स देखें, यार इनकी कंडीशन भी देखें, और ये कितना खूबसूरत जूता है, जस्ट 800 का वो कह रहे थे, बिल्कुल न्यू था, यूज़ में नहीं था। इसकी सोल से पता चल जाता। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये ज़ारा का शूज़ दिखा, और ज़ारा के शूज़ की उन्होंने प्राइस 4000 बताई, मतलब कि इनको भी पता होता है कि कौन सा ब्रांड है और किस चीज़ को हमने किस तरह से कैश करना है। यहाँ पर ज्वेलरी की भी वैरायटी थी, लेकिन ज्वेलरी ये जो स्टॉल वाले के पास थी ये लोकल ज्वेलरी थी, बाहर की नहीं थी, सो मैंने इसको इतना ज़्यादा, इसने मुझे फैसिनेट नहीं किया। वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है, पार्ट 1 अब आपके लिए कम्प्लीट हो चुका है, और पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द आएगा, आपने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये स्टॉल था जिस पर इस तरह के बहुत ज़्यादा घर की चीज़ें थी। ये देखें, ये जो डेकोरेशन का आइटम था ये जस्ट 600 का मुझे कह रहे थे कि मैं दे दूँगा, और इसी तरह के और भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर वैरायटी, इंपोर्टेड आइटम। अच्छा, ये जो था ना होल्डर, मेकअप होल्डर, ये मुझे कह रहे थे कि 1000 का फाइनली दे देंगे, और मैं कहती हूँ इसकी प्राइस वाइज जो है ना क्वालिटी बेस्ट थी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।